तत्काल प्रभाव से एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे पर FIR दर्ज हो। क्या मजाक बना के रखा है क्या तुमने? चीप पब्लिसिटी के लिए आप PR स्टंट के लिए आप इतने हद तक गिर जाओगे? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आप जैसे लोग के वजह से बदनाम हुई है। तत्काल प्रभाव से एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे पर FIR दर्ज हो। पूनम पांडे जी हमारे इंडस्ट्री की जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस है। उनको बॉलीवुड और इंडिया की सारी इंडस्ट्री उनको जानती है और भारत के देश के सभी लोग जानते हैं। कल वो एक उनकी PR टीम एक सोशल मीडिया पर मैसेज डालती कि पूनम पांडे जी कार्निवल कैंसर से नहीं रही। फिर अचानक आज सुबह उठता फिर पूनम पांडे जी का एक मैसेज आता है सोशल मीडिया पर कि मैं तो अवेयरनेस करी थी कार्निवल कैंसर के बारे में। क्या मजाक बना के रखा है क्या तुमने? बॉलीवुड ने आपको फेम दिया, नाम दिया, आज बॉलीवुड से आपका नाम जुड़ा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री से आपका नाम जुड़ा हुआ है। अब हर बात एकदम PR चीप पब्लिसिटी के लिए आप PR स्टंट के लिए आप इतने हद तक गिर जाओगे? आज तक बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में कोई इतने हद तक नहीं गिरा। कल पूरा देश, पूरा फिल्म इंडस्ट्री, पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपको प्रार्थना कर रही थी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपने लोगों के साथ जितने भारत के लोग हैं सबके साथ आपके भावनाओं के साथ आपने ठेस पहुंचाई है, आपने लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ खेला है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमेशा आप जैसे लोग के वजह से बदनाम हुई है। आज हम भी यूनियन चला रहे हैं लेकिन हम कभी ऐसा चीप पब्लिसिटी नहीं करते कि हम डेथ का PR करके हमको PR करना है। अवेयरनेस करने का तरीका होता है कि आप गवर्नमेंट को अप्रोच करिए, गवर्नमेंट को अप्रोच करिए, NGO को करिए, PR मीडिया को लेके कॉन्फ्रेंस करिए। ये क्या है? आज सुबह के वीडियो बना दिया आपने, नहीं अरे मैं तो अवेयरनेस ही करी थी। इसलिए ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स अध्यक्ष एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांग की तत्काल प्रभाव से एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे पर FIR दर्ज हो और साथ ही उसके मैनेजर पे, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी ऐसी गिरी हुई PR स्टंट ना करे। ये FIR होना इसलिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कल कोई और उठेगा। इसलिए हमें यार ये आज स्टेप उठाना पड़ा पूनम पांडे के खिलाफ में।